मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है, बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हां हां ये पुरी की दाल है। मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी? उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया। और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए, तो उन्होंने कहा ये जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब ये होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है, बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है? भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तब मैंने गांव गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के। और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी।
घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए। हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं, कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कुम्हारों की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं, माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन। अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग, ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर, वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो। आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा है, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं, तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है, तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। इंडिया से अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये। तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा, तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो, चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब। मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे, अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमरीका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो फिर भी झक मार के वापस आओ। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका शुगर यूनिट 480 के ऊपर है, ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं,
और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए। बाजरी की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के, और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के, रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बाघभट्ट सच में महान आदमी थे। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है, आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाऊंगा। आभार, धन्यवाद।